started from my children. They were growing up in the UK, this is about 50 years ago, and they were learning quite a lot of Christianity. And they said, we are Jain, what is Jainism? So that started my working into the basics of Jainism, कि ये अपना Jainism, ये Jain धर्म है, क्या है? और बच्चों को कैसे बताएं, उनको सिर्फ कहें कि महावीर स्वामी हैं, आदिनाथ जी हैं. Without that itself is not sufficient, what you have to do, कि उसके basics क्या है, कहाँ से निकला है, उसकी पहली सीढ़ी क्या है, दूसरी सीढ़ी क्या है, and also it has to be for modern mind. सर्वकाल है विद्यमान, सर्वकाल है विद्यमान, भव भव की यात्रा पर है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा अजर अमर. बस सुंदर. आत्मा अजर अमर है, आत्मा अजर अमर है. उनके सम्मान दिया, साथ दिया, प्यार दिया है, उड़ने को गगन, टिकने को आधार दिया है. छोटा सा मैं एक नाम था, परिवार में सीमित, पत्रों ने ही इस नाम को विस्तार दिया है. पत्रों ने ही इस नाम को विस्तार दिया है, और अपने गीतों की बदौलत मैं दिलों पर छा गया. अपने गीतों की बदौलत मैं दिलों पर छा गया, ये न कहना प्रेस को इम्प्रेस करने आ गया. दोस्तों, और ये जो किताब है कि दोनों भाई बहन हैं, सीडी और किताब, दोनों भाई बहन हैं, सीडी और किताब, एक पढ़ें और एक सुने, घर ले जाएं जहां. दोस्तों, ये हमारे अध्यात्म का, जैनिज्म का और जैन विज्ञान का एक खूबसूरत उदाहरण है ये एल्बम. What one needs is a focus, because it is a vast area. There are so many big brains have written about it, but to bring it into the current terminology, into the current thinking, in the current way of expressing things, in terms of current science,